प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र में हल्ला बोल बोल दिया है। प्रियंका गांधी जी ने महाराष्ट्र की चुनाव की रैली में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी पे हमला किया और मोदी जी को कहा कि आपने बाला साहब ठाकरे जी के लड़के उद्धव ठाकरे जी के पीठ में छुरा घोंपा, और ये भी कहा कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए महायुति की सरकार और मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। आपको हाल ही में एक घटना बता दूं कि अमरावती में राजदीप सरदेसाई जी है, जो कि बहुत ही बड़े पत्रकार है, वो गए थे गांव में, और गांव में वो एक घर में गए जहां पे उनको पता चला कि करीब 1 लाख रुपए के कर्ज के लिए एक किसान ने आत्महत्या कर ली। तो आप सोचिए, सिर्फ 1 लाख का कर्ज था उस किसान पे, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। उसी पे महाविकास आघाड़ी का पलटवार आया और उन्होंने कहा कि देखो महाराष्ट्र में कैसी सरकार है। अब आगे मैं ये भी बता दूं, प्रियंका गांधी जी ने मुंह पे कह दिया कि ये जो लाड़की बहन स्कीम है महायुति सरकार की, उस पे महिलाएं भरोसा ना करें, बल्कि महिलाएं डेवलपमेंट और उनका जीवन अच्छा हो इसके लिए वोट करें, जो कि वोट महाविकास आघाड़ी को करें, ना कि लाड़की बहन के लिए बीजेपी को। प्रियंका गांधी जी ने यह भी कहा कि 2019 में लोगों ने महाविकास आघाड़ी की सरकार को चुना, लेकिन बीजेपी ने धोखा देके शिवसेना को तोड़ के एनसीपी को तोड़ के अपने अंदर उनके एमएलए शामिल कर लिए और महायुति की सरकार बना ली, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं बता दूं कि महाविकास आघाड़ी को 2019 में नहीं चुना गया था, बल्कि बीजेपी और शिवसेना का जो अलायंस था, लोगों ने उनको वोट किया था। पता नहीं लोग भूल क्यों जाते हैं, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोट किया था। वो कोई प्री पोल अलायंस नहीं था, महाविकास आघाड़ी का जो अलायंस हुआ था वो वोटिंग के बाद हुआ था। वोटिंग के टाइम पे तो कांग्रेस और एनसीपी साथ में थी और बीजेपी और शिवसेना साथ में थी, जो कि अनडिवाइडेड शिवसेना थी। लेकिन अभी आप देखोगे तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और महायुति में अजित पवार की एनसीपी, बीजेपी और शिंदे सेना है। तो ये है अभी का माहौल, लेकिन 2019 में ये माहौल नहीं था। आगे उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा कि मोदी जी और बीजेपी के लोग मेरे पिताजी की तस्वीर यूज करते हैं, जो कि मैंने खुद ने खींची है, और उसी का प्रचार करके वोट मांग रहे हैं, लेकिन वो तो मेरे पिताजी है, तो लोग मेरे को ही वोट करेंगे, ना कि शिंदे की सेना को वोट करेंगे या बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि वो लोग भी बाला साहब ठाकरे जी की फोटो लगाते हैं और कैंपेनिंग में बाला साहब ठाकरे जी की फोटो का यूज करते हैं। जैसे ही वायनाड का इलेक्शन और वायनाड की वोटिंग खत्म हुई, तुरंत ही प्रियंका गांधी जी महाराष्ट्र में आ गई। क्यों आई सबको पता है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा स्टेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, और महाराष्ट्र में सभी ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट होगी, या तो जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ी सी मेजोरिटी से जो भी होगा वो सरकार बनाएगा, महायुति या महाविकास आघाड़ी। लेकिन मैं बता दूं, प्रियंका गांधी जी ने झारखंड का कोई भी दौरा नहीं किया अभी। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी है, जो कि इंडिया एयरलाइंस की कमान को संभाल के रखा है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की कमान संभालने के लिए कोई पैन इंडिया का लीडर चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा बड़ा लीडर चाहिए कांग्रेस का जो कि महाविकास आघाड़ी को भी संभाले और कांग्रेस पार्टी का भी चेहरा बने। तो वो सीधी सी बात है, वो दो ही लोग हैं अभी गांधी फैमिली में, वो है राहुल गांधी जी और दूसरे है प्रियंका गांधी जी। अब आगे मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में है अभी, जैसे कि कन्हैया कुमार भी बहुत ही जोर शोर से इलेक्शन की रैलियां कर रहे हैं और इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और फिर रितेश देशमुख वो उनके दो भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे नेता है कांग्रेस के जो कि महाराष्ट्र में जम के प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें इस बार जीती थी, वो जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। तो सीधी सी बात है, जो कांग्रेस का जोश है वो हाई है, और कांग्रेस अभी भी यही सोच रही है कि महाराष्ट्र में वही इलेक्शन जीतेगी। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन इलेक्शन जीतेगा, लेकिन ये जो प्रियंका गांधी जी का रोड शो है, इससे ये तो तय हो गया कि प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस महाराष्ट्र को इतने आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देगी। इसी वजह से महाराष्ट्र का चुनाव तो आ चुका है, लेकिन जो लास्ट दिन बचे हैं उसमें भी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी जैसे बड़े नेता जो कि है वो फील्ड में उतर रहे हैं, और ये सीधा सीधा बताता है कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी कितने सीरियस है महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए। और मैं ये भी कह दूं कि प्रियंका गांधी जी ने ये भी कहा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू कोलैप्स हो गया, मतलब गिर गया। उस पर प्रियंका गांधी जी ने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते, बीजेपी और महायुति की सरकार से बहुत नाराज होते, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी अभी जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, और बीजेपी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी अपमान किया, जो कि महाराष्ट्र में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।